नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर। और आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड है आपके कमेंट्स को लेकर के। कुछ कमेंट्स आए थे जिसके अंदर आप सभी ने ये डिमांड करी कि सर कुछ ऐसा बताइए कि कैसे करें पार्ट टू की प्रिपरेशन। एक तो ये बात आ रही थी, कुछ कमेंट्स ऐसे आए। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था लगभग 50 के करीब किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप पार्ट टू को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और असल में क्या है कि माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो कि साइकोलॉजी के अंदर जिसके ऊपर प्रश्न आता ही आता है। तो उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि टॉपिक को केवल पढ़ लेना, बल्कि टॉपिक को गहराई से समझना जरूरी है। अभी आजकल के जो एग्जाम्स होते हैं वो सभी इंटेलेक्चुअल एग्जाम होते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न को पढ़ने के बाद सिर्फ अपने नॉलेज के बेस पर आप उस एग्जाम को नहीं, यानी कि उस प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर सकते। हो सकता है कि 20% पार्ट आप सॉल्व कर दे, लेकिन सभी प्रश्न नॉलेज बेस्ड नहीं होंगे। ऑलमोस्ट आजकल के जो एग्जाम्स आ रहे हैं और DOE का जो पिछली बार का एग्जाम रहा है, अगर उसके ट्रेंड को अगर हम देखें तो जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से जो DOE का एग्जाम है वो मोर देन नॉलेज बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके अंदर। अगर आपकी नॉलेज के साथ उस कंसेप्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो ही आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कितने भी टॉपिक्स लिख दूं, इट डजंट मीन कि आपको आपके केवल उन टॉपिक को प्रिपेयर करने से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आपको उन टॉपिक को समझना है। तो कहीं ना कहीं हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इतना पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजों को करते हैं, फिर भी हम एग्जाम क्यों नहीं पास कर पाते। इसका पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो दो है। पहला कारण ये है कि आप क्या करते हैं, कॉन्टेंट को सिर्फ रीड करते हैं, कॉन्टेंट को रीड करते हैं और रटते हैं। साइकोलॉजी को अभी तक आपने अपने अंदर उतारा नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ MCQ सॉल्व करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर MCQ सॉल्व कर लिया तो MCQ सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसका आंसर ये है ये नहीं है, उसे आप याद कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि ये दो कर लेने से आप एग्जाम को पास कर लेंगे। कुछ बच्चे तो सिर्फ इस पे फोकस रहते हैं, ऊपर तो किसी को देखते ही नहीं। तो यहीं पर कमी रह जाती है और यहीं पर आप मार खा जाते हो। या कुछ लोग पढ़ते भी हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो यहां पे पढ़ते हैं जहां पे 98% जो पॉपुलेशन है वो इसको पढ़ती है, कंटेंट को बस रीड करती है। पियाजे है तो पियाजे को पढ़ लिया, वाइगोट्स्की है तो वाइगोट्स्की को पढ़ लिया, अगर इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस को पढ़ लिया, क्रिएटिविटी को पढ़ लिया, साइकोलॉजी को पढ़ लिया, फिलोसफी को पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं, उसको रिलेट नहीं कर पाए कि उसका क्लासरूम से क्या लेना देना है, उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन पेपर में जो प्रश्न आएगा उसी हिसाब से आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम यही हो रही है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। जो बच्चे समझ जा रहे वो पास हो जा रहे हैं, या जो बच्चे समझ जा रहे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजों की क्लैरिटी के ऊपर बात हो रही है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भीड़ के अंदर फंस जा रहे हैं, और भीड़ के अंदर फंस जाएंगे तो वहीं पे दब के रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ कुछ कंटेंट यानी कि कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा कि जो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आप जरूर कीजिएगा। नंबर वन, फिलोसफी, इसके ऊपर भैया प्रश्न आता ही है। फिलोसफी का मतलब इसका आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलाइजेशन, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, ये इन सब पे क्वेश्चन, सोक्रेट्स, ये सारे जो हैं जिन्होंने कई सारे मेथड्स दिए उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है, इन सब लोगों ने जो काम किया था एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, और जो यहाँ पे फिलोसफी दर्शन शास्त्र में जो उन्होंने काम किया था उसके ऊपर प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज इस वीडियो में मैं कुछ पार्ट्स बताऊंगा, बाकी बाद में बताऊंगा, पहले आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ग्रोथ प्रिपेयर करेंगे,
डेवलपमेंट प्रिपेयर करेंगे, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग उसको प्रिपेयर करेंगे, और एक आधा कंसेप्ट मिला तो उधर उधर सॉल्व करेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, दिक्कत यही हो रही है। जो जो बच्चे मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे ना, वो मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और एक बार अगर आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया ना जो एक्चुअली में मैं डिराइव करना चाह रहा हूँ, और आपने उसको पकड़ लिया, तो एकदम से आपकी दुनिया पलट जाएगी। आप एकदम, आपको लगेगा कि क्या मिल गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसके साथ डेवलपमेंट के अंदर एरिक्सन भी जुड़ जाएगा, है ना, एरिक्सन जुड़ जाएगा, उन्होंने स्टेजेस दी है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिक्सन अगर जुड़ रहा है तो हमें लग रहा है कि इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आज से पहले हमने इन दोनों को जोड़ के देखा नहीं, लेकिन देखिए लेना देना है। अब अगर इसका इससे लेना देना है तो हमने यहाँ पे आइडिया क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हमारी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम ये मान के चलते हैं कि किताब में जैसा लिखा हुआ है वही सही है और उसी को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि लेसन वन का लेसन टू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी फिलॉसफी किससे जुड़ी हुई है, इंसान से। पूरी की पूरी साइकोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, इंसान से। तो जब सारी बातें इंसान से जुड़ी हुई है तो यहाँ पे तो सारी बातें मिल जाती होंगी ना, तो यहीं से सारी बातें निकल रही हैं, इंसान को भी तो देख रहे हैं, तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे। जो इसको समझ जाते हैं उनके लिए साइकोलॉजी उंगली पे खेलती है, जो नहीं समझ पाते वो परेशान रहते हैं, वही परेशान रहते हैं कि इतना पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में कुछ क्यों नहीं आता। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज के अंदर वही मेजर जो थ्योरिस्ट है जिसके नाम थॉर्नडाइक से शुरू करते हैं, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, पियाजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग, फिर उसके बाद मैकडूगल, और फिर ये एरिक्सन है, जॉन बाउली है, और कोल्ब है। ये सारे थियरिस्ट हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। और यहाँ पे जो इन थियरीज को करने का मतलब है, जितने थियरिस्ट के मैंने नाम लिए आपके सामने, जहाँ पे मैं बिहेवियरिस्ट यानी कि बिहेवियरिस्ट से लेकर के यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट तक थियरिस्ट के मैंने नाम ले लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको करने का मतलब है क्या कि लर्निंग थियरीज कंप्लीट होंगी। पूरी की पूरी लर्निंग थियरीज है ना, पूरी साइकोलॉजी का आधार है, और यहाँ पर लर्निंग थियोरीज से ही निकलती है पेडागोजी, और लर्निंग थ्योरी से ही निकलते हैं सब्जेक्ट्स, लर्निंग थ्योरी से ही निकलते हैं क्लासरूम इम्प्लीकेशन, यहीं से निकलते हैं चाइल्ड मैनेजमेंट, यहीं से निकलता है क्लासरूम मैनेजमेंट, यहीं से निकलता है माइंड रीडिंग, यहीं से निकलते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहीं से क्योंकि यही मेन है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन यहीं से निकलता है, यहीं से सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि कैसे एक जो थियरिस्ट है वो दूसरे थियरिस्ट से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे है, ये इससे है, यहाँ पर ये इससे है, ये मतलब सभी की थ्योरी की कोई ना कोई बात आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसको लिंक नहीं कर पा रहे। वो तार को ढूंढना है, मैप बनाना है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। क्या आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया कभी? कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तब आपको समझ आएगा अरे एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से कितनी ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, यही दिक्कत हो जा रही है। लर्निंग थ्योरीज करेंगे, ठीक है, लर्निंग थ्योरीज आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप करेंगे टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, EVS ये आ जाती है, क्योंकि आठवीं तक का कोर्स होता है ETE के अंदर, तो टीचिंग ऑफ साइंस और EVS SST सब आ जाता है यहाँ पे, तो इस चीज को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ आ जाती है, जैसे इंटेलिजेंस आ जाता है, इंटेलिजेंस आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पांच इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया, ये समझ लीजिए कि अराउंड 40-45% यानी कि 50% मान लीजिए, ये 50% सिलेबस को कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा है उसको रखने के बाद तो 50 हो ही जाएगा, वो है RTE, CCE एंड NCF 2005। ये तीन, इसको जोड़ लिया ना तो ये 60% हो गया सिलेबस, इसको जोड़ लिया 60% सिलेबस हो गया। अब जब आप बात करेंगे ना RTE की, CCE की या NCF की, अब आप एक टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन की हिस्ट्री क्या रही है, तो भैया एजुकेशन की हिस्ट्री को आप अलग से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखोगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो भी इंडियन एजुकेशन, तो भैया ये सीधा का सीधा इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये ठीक से नहीं समझ में आया तो ये तीन आप कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। बेशक आप ऊपर ऊपर की चीजें कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर की जो गहराई की बात है कि आखिर ये चीज क्यों हुआ,
इसके बारे में आप सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि पहले आप इस चीज को समझें, फिर आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा साइकोलॉजी की बात है ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अगर इतना मैं रख दूं यहाँ पे तो ये 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 70% सिलेबस इतना ही है, लेकिन इतने का मतलब यहाँ पे केवल 7 टॉपिक नहीं है। जब आप इन 7 टॉपिक को पढ़ेंगे ना, एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, क्योंकि ये इतने वास्ट है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर पढ़ने को कि चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन मतलब टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। तो आप कितनी गहराई में इसके अंदर जा सकते हैं, कितनी गहराई से इसको जान सकते हैं, आपकी डेडिकेशन क्या कहती है कि आप इसको कितना पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रश्न आएगा। जब आपने जिस दिन ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लर्निंग थ्योरी से जोड़ दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपने आरटीई से जोड़ दिया, सीसी से जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं क्या कि भैया यहाँ पे बच्चों का मैच्योरेशन इस हिसाब से यहाँ पर होता है, तो उस हिसाब से आरटीई के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं इसलिए दिए गए हैं, जोड़ा जा सकते हैं। सीसी के ना मेथड्स किस आधार पे दिए गए कि बच्चों का डेवलपमेंट किस आधार पे होता है, कि हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ सकते हैं। हमें वो कला आनी चाहिए। जिस दिन हमने ये 7 से 60 टॉपिक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर नहीं जोड़ पाए, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे नहीं जोड़ पाए, जिस दिन आपके अंदर ये कला आ जाएगी ना इसके अंदर जोड़ने की, इस तरीके से जाल बन जाएगा। देखो मैं देख रहे हैं आप इसको, इस तरीके से जाल बनेगा यहाँ पर। और जिस दिन ये जाल आपने बना लिया, उसके बाद क्या होगा कि आप दुनिया में कोई भी चीज इनसे पूछेंगे ना, इसके ना कोई भी चीज डालेंगे, यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां पे आप डालेंगे क्वेश्चन और ये होगा आंसर। एक आपने बहुत ही फेमस डायलॉग बार बार एक सुना होगा, काफी कंट्रोवर्शियल डायलॉग हुआ था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा जो एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग आया था, उसको चलो छोड़ देते हैं। लेकिन उसको मतलब एक मान करके, एक मिसाल मान करके, ये जो आप यहाँ पे बनाओगे ना, ये आपकी एक ऐसी मशीन जरूर बन जाएगी, ये आपकी ऐसी मशीन बन जाएगी कि एग्जाम के वक्त आप इसके अंदर जो भी क्वेश्चन डालोगे उस तरफ से क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो ये भैया मशीन बनाना इतना आसान नहीं है, और ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या आपके अंदर काबिलियत है इसको करने की? अगर आप इसको कर पाएंगे, अगर आप इसको कर पाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो डेफिनेटली हाई बहुत अच्छा काम करके जाएंगे, लेकिन बाय चांस मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है और आपने अगर ये मशीन ईजाद कर ली, तो आप समझ जाइए आपने फ्यूचर के लिए अपने आप को कर लिया स्ट्रांग। अगली कोई भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर आप पहले से तैयार रहेंगे। लेकिन अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वैकेंसी के अंदर अपनी सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। इसी उम्मीद के साथ आपको प्रिपेयर करना है और इसी विश्वास के साथ प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर डाइवर्टेड यानी कि डाइवर्टेड या फिर अनऑर्गेनाइज अगर चीजें रही तो भैया काम नहीं हो पाएगा, तब तो भैया देखते रह जाएंगे। और मैं किसी को अब मैं नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि डरा नहीं रहे, सच है। आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। जिसको लग रहा है कि जो अपने आप ये भरोसा बना लेगा वो ये मशीन बना लेगा, और जिसकी ये मशीन बन गई भैया उसके तो दूसरी तरफ से आंसर ही आंसर आएंगे। तो यही थी आज की ये वीडियो। अभी मैं फिर से कोर्स के बारे में बोलने वाला हूँ, तो प्लीज इसके ऊपर किस तरह का कोई नेगेटिव कॉमेंट ना करे, फिर से कोर्स के बारे में बोलूंगा। अभी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो भी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन जी हाँ, मैं एक चीज की और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, 12 अक्टूबर से हमारा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर से हमारा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है DSSB DOE के पार्ट 2 का, यानी कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी उसमें कर रहे हैं पूरे इत्मीनान और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप पार्ट 2 के अंदर जरा सी भी डिफिकल्टी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि नहीं इसको करने के लिए कोई एक तरीका चाहिए जो मेरे पास नहीं है, कई बार हो सकता है कि आप में से जम्मू रोहतक या दूसरे आउटसाइड जो JBT जिन्होंने करी उनको उतना ज्यादा कंटेंट एक्सपोजर नहीं है, तो यहाँ पे भैया यहाँ पे कंटेंट एक्सपोजर चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कोई हेल्प ढूंढ रहे हैं या फिर ढूंढ रहे कोई ऐसा सोर्स जहां से आपका ये कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो 2499 है। आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको एक डेमो वीडियो जरूर चाहिए होगी, जो कि पहले जो अब तक जिन बच्चों ने किया उनमें से किसी को नहीं मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और डेमो देखना चाहते हैं
तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो की लिंक दे दी है, बाकी आप आई बटन को दबाएंगे यहाँ से भी आपको डेमो की वीडियो मिल जाएगी। डेमो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इस कोर्स के अंदर हमारे साथ आपको कुछ अलग मिल सकता है या फिर आप प्रिपेयर करने को कुछ अच्छा आपको मिल सकता है, तो जरूर इस कोर्स के अंदर आप जरूर एनरोल करें, क्योंकि इतने छोटे से अमाउंट में आपको जितनी चीजें मिलेंगी वो सच में काबिले तारीफ और बहुत ज्यादा होगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।